नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मानसून के दौरान किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बीज के अकॉर्डिंग, बीज क्योंकि आप लाएंगे, उसे ग्रो करेंगे, फिर वो कई सालों में फल या फूल देंगे, लेकिन आप कटिंग से लगाए तो कटिंग से वह बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और फूल और फल देने लगते हैं। और यहाँ मौसम प्रूमिंग का भी है, आप किसी भी पौधे की प्रूमिंग कर सकते हैं, उसमें ब्रांचेस और निकल आएगी। जैसे यहाँ एकेलिफिया का पौधा जो मैंने पीछे की साइड रखा हुआ था, जहाँ ना इसमें खास धूप पड़ रही थी ना बारिश, तो अब मैं इसे आगे ले आई हूँ और इसकी मैंने अच्छे से प्रूमिंग कर दी है। अब प्रूमिंग के दौरान जितने भी उसके स्टेम्स निकलेंगी उनको आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आसपास के जगह में आप लगा दीजिए, वहाँ भी हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने जिसमें हल्दी लगा दी, हल्दी से कीड़े नहीं लगते हैं। यहाँ बेबी डॉल डरेकेनिया का पौधा है, इसकी स्टेम्स लंबी लंबी हो जाती हैं, नीचे से इसके लीव्स झड़ जाते हैं और लंबी से इसकी स्टेम्स हो जाती है, तो इसकी प्रूमिंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। उसकी प्रूमिंग करके इसके स्टेम्स को भी लगाया जा सकता है। और यह बेगोनिया का प्लांट है, इसके लीव्स बहुत सुंदर होते हैं, यह कई प्रकार का होता है और इसमें मार्च अप्रैल में बहुत सुंदर से फूलों से भर जाता है। इसमें यहाँ पिंक और वाइट कलर के फूल आते हैं, एकदम से गुच्छा सा बन कर के ऊपर तैयार हो जाता है फूलों का, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके लीव से भी आप इसे लगा सकते हैं और इसके स्टेम से भी लगा सकते हैं। तो इसके लीव्स को मैंने पानी में डुबो के रख लिया था और यहाँ लीव्स में निकल आए हैं रूट्स, तो आप इससे भी बहुत ईजिली से इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पान की भी आप लीव्स देख रहे हैं, तो पान की भी लीव्स को आप इस तरह से लगा सकते हैं। पान की लीव्स को ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे हम मनी प्लांट के पौधे को लगाते हैं, उसी तरह से ये पान का भी लग जाता है। और ये बेनियन ट्री कहीं पे भी आपको दिखाई देता है तो उसकी एक मोटी सी ब्रांच लीजिए, उसकी छोटी सी कटिंग कर दीजिए और उसे लगा दीजिए। यहाँ मैंने रूट से ही लगाया था तो इसका बोनसाई बना रही हूँ, यह बहुत अच्छे से बन जाता है। यहाँ देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया था, किसी ब्रांच को लाई थी और ब्रांच की छोटी सी कटिंग की और उसे लगा दिया था, तो इसमें रूट से निकल आए हैं। तो आप भी इस तरह से बोनसाई बना सकते हैं, यह मौसम बोनसाई बनाने का बहुत अच्छा है। पीपल के की स्टेम्स लाइए, पीपल के स्टेम से बनाइए, बेनियन ट्री से बनाइए। और यह एक सेकुलेंट प्लांट है, कितने छोटे से गमले में इतना बड़ा हो गया है, इसका भी एक छोटा सा भी आप लगाओगे कहीं पे भी तो वह इस तरह से ग्रो करने लग जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और बहुत खूबसूरत भी लगता है। और यह पौधा जिसकी लीव्स ही अपने आप में फ्लावर जैसी होती है, बहुत सुंदर लगता है। इसके रूट से भी आप इसे लगा सकते हैं और लीव्स को इनके पानी में डिप कर दीजिए तो उससे भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देरी लगाता है। और इस तरह से मैंने इसके कई मल्टीपल बना दिए हैं, आप भी बना सकते हैं। इसे भी मैं, ये देखिए, इसके दो बना दूंगी क्योंकि दो जगह से रूट्स हैं तो दो जगह से यह इजीली ग्रो कर जाएगा। और इसमें यहाँ हल्दी लगा दी है, तो आप हल्दी का यहाँ काम होता है कि कीड़े भी नहीं लगते हैं, तो मैं किसी भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ, बस हल्दी लगाती हूँ। और यह है ऑर्गेनो का, जिसे आप अजवाइन के नाम से भी जानते हो, लेकिन यह अजवाइन का नहीं होता है, इसमें क्योंकि अजवाइन की खुशबू आती है इसलिए इसे अजवाइन का पौधा कहा जाता है, लेकिन यह ऑर्गेनो का पौधा होता है जिसकी लीव्स आप चाइनीज फूड में या सलाद में डालते हैं। और इस तरह से हल्दी लगा दी है और यहाँ बहुत ही जल्दी इजी ग्रो हो जाता है। और यहाँ मोंगरा का, जिसे मोतिया कहते हैं, इसकी भी स्टेम आप लगा दीजिए, बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाता है और फूल देने लग जाता है, तो आप इसे बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो, कहीं से भी इसकी स्टेम से ला सकते हो उस समय में। यहाँ तो आपके पास लगा हुआ है, किसी पार्क में लगा हुआ है, तो उसकी स्टेम से लाइए। और पौधे हमेशा बांटने से बहुत अच्छा लगता है, कई लोग आपको पौधों के कारण से याद करते हैं। और यह सेगोनियम का पौधा, और हमें अपने पौधों को हमेशा बांटना चाहिए,
यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पौधा यूनिक है। यूनिक कैसे हो सकता है जब वहाँ आप परचेस करके ला रहे हो कहीं से, तो वहाँ यूनिक तो रह ही नहीं जाएगा ना। कोई भी परचेस करके कोई सा भी पौधा ला सकता है, लेकिन आप जब अपने पौधे को किसी को देते हैं तो वहाँ आपको हमेशा याद कर रखते हैं। जितनी बार वहाँ उस पौधे को देखेंगे उतनी बार आपको वहाँ याद रखेंगे। जैसे मेरे भी कई पौधे हैं जो मैं बहुत दूर दूर से लेकर के आई हूँ, तो मैं उन्हें हमेशा याद करती हूँ कि यह पौधा मैं वहाँ से लेकर के आई थी। तो इसी तरह से आप भी याद करते होंगे मेरी तरह। और यह इस पौधे का नाम अम्ब्रेला है क्योंकि इसकी लीव्स आप देख ही रहे होंगे अम्ब्रेला की तरह हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, वाइट कलर में, तो ये मेरे पास में वाइट और येलो कलर का है, तो इसकी भी मैंने ये स्टेम्स ले ली है और इसे मैं लगा दूंगी तो ये बहुत ही जल्दी इजी ग्रो कर जाएगा। और यहाँ भरम कमल का पौधा है, इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। इसके फूल कमल की तरह होते हैं और सिर्फ वो रात को ही खिलते हैं। तो यह पौधा तो मैंने मम्मी के यहाँ लगाया था क्योंकि मुझे लग रहा था दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन फिर मैं दिल्ली में लेकर के आई, उसका एक पत्ता लेकर के आई, पत्ते से लगाया तो बहुत ही अच्छा वो ग्रो हो गया। और इस तरह से यहाँ एक लीव से इसी में ही कई लीव्स निकलती जाती हैं और एक लीव से आप 3-4 इसके पौधे बना सकते हो। लीव्स की कटिंग कीजिए और उसे लगा दीजिए तो वो बहुत इजी से ग्रो कर जाएगा और उसमें एक समय में फूल भी निकल आएंगे जैसे इसमें निकल रहे हैं। और यहाँ जेस्टिसिया का पौधा, लॉलीपॉप भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह ऊपर से इस तरह से रेड रेड से आते हैं, पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का इसमें होता है। ये मेरे पास में पिंक और रेडिश कलर में है, यह ब्रांच से ही हो जाता है। और अभी आप वीडियो में बने रहें, आगे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि कैसे आप जल्दी से रूट ला सकते हो, किस तरह से आप अपने स्टेम्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो। तो आप इस वीडियो में बने हुए रहें, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आगे कई जानकारियाँ मिलेगी। और यह फाइकस का प्लांट है जो कि गर्मियों में थोड़ा सा इसके लीव्स येलो हो गए थे, तो उन लीव्स को भी आप हटा दीजिए और इस तरह से इसे इसकी ब्रांचेस को कट कर दीजिए। इसके तो कई सारे बन जाते हैं, बोनसाई बहुत अच्छा बनता है इसका, आप इसके बोनसाई बनाइए। मेरे पास भी इसके बोनसाई बहुत सारे हैं। यह स्विस चीज़ का है जिसे मॉन्स टेरा भी बोलते हैं, तो इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। यह आपने पेड़ों से लिपटा हुआ देखा होगा, एक पेड़ में बहुत बड़ा यह हो जाता है पेड़ के सहारे से ही। यह मनी प्लांट की तरह होता है, आप जैसे जैसे यह बड़ा होता जाएगा इसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती जाएंगी, तो इसे भी आप मनी प्लांट की तरह लगा सकते हैं। और यह पैडी लेटस का पौधा है, यह जिसमें मैंने लगाया है, यह मेरी भाभी ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था अपने आप से बना करके। तो इसमें कई सालों तक मैंने प्लास्टिक के फूल लगा के रखे, लेकिन अब वहाँ अच्छे नहीं लगते प्लास्टिक के फूल, तो मैंने इसमें नेचुरल प्लांट लगाया और इसमें बहुत अच्छे से यह ग्रो कर गया है। इसे मैं इंडोर भी रख लेती हूँ। तो किसी की भी आप इस समय में कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेगा, बहुत इजीली से वो बन जाएगा उसका पौधा। और यहाँ मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ केटल में मैंने पानी ले लिया है और यहाँ हल्दी का आप यूज देख ही रहे थे बार बार कि मैं स्टेम में लगाती जा रही थी जिससे कीड़े नहीं लगते। और यहाँ आलू के छिलकों को आप इस तरह से पानी में डाल दीजिए तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा और इसे हम इसमें स्टेम्स लगा देंगे तो स्टेम्स में जल्दी से रूट निकल आएंगी। आप इसे आलू के छिलकों को 2-3 दिन पहले भी रख सकते हो पानी में डाल करके, और भी अच्छा हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ इस तरह से, और इसमें आप स्टेम्स वगैरह डाल दीजिए, बहुत अच्छे से रूट निकल आएंगी। तो आप भी अपने घर में रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं और ऐसी एलोवेरा जेल से भी आप रूट अच्छे से निकल आती हैं।
एलोवेरा के लीव को लीजिए, उसकी कटिंग कीजिए और उसमें पानी डाल के रख लीजिए। तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया ही जा रहा है, और यह दूसरा वो रहता है इसका फॉर्मूला कि आप लीव्स को लीजिए, ऊपर की परत को हटा दीजिए और उससे जो जेल निकल आएगा उसे स्टेम्स में लगा दीजिए, कटिंग में अपनी लगा दीजिए, तो जल्दी से रूट भी निकल आएगी और जो इसका चिपचिपा पदार्थ है स्टेम्स में कवर का काम करेगा, कीड़ों को नहीं लगने देगा। और यहाँ मैंने कड़ी पत्ते की प्रूमिंग कर ली है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।